अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। हम सब की तरफ से आप लोगों को क्या लाया? मुबारक। ये देखिए, ये लाया तो हो चुकी है रेडी। ये सुबह सुबह उठ के जो है ना मेरे पास आ गई। मैं मुझे बोलती है कि जो है ना आज ईद है तो मम्मा उठ जाए, और मैं थोड़ा सा लेट हो गई। और आपको एज यूजल पता है कि मलेशिया में तो जो है यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, और हमारी ईद जो है ये बहुत वो चल रही है, हम कुछ बाय भी नहीं कर सके। और अलाया का ड्रेस जो है ये देखें, ये ईस्टर्न ड्रेस जो है वो इसने फर्स्ट टाइम पहना है। अलाया कैसा लग रहा है आपको? आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अलाया का ड्रेस कैसा लग रहा है? और अनफॉर्चुनेटली हमें हूरिया का साइज़ नहीं मिल सका, शॉप्स जो थी यहाँ पे बंद थी, क्योंकि लेडी यहीं पे पाकिस्तानी कपड़े सेल करती हैं, तो हमें सिर्फ अलाया का ही मिला, हूरिया का हम लोग को मिला ही नहीं। तो हूरिया को भी जो था फील हो रहा था। हूरिया क्या हो रहा था आपको, क्या क्या फील हो रहा था आपको? सैड। चले, अभी जो है वो हम नाश्ते की प्रेपरेशन करते हैं। अभी मैं जो है वो पूरी और चने बना रही हूँ मॉर्निंग के टाइम। दोपहर में जो है वो फिर हम बनाएंगे मटर। जी तो भी बस ये देखिए, ये अभी जो है ये छोले बनाने लगी हूँ, और ये छोले ये मैंने पेस्ट बना लिया है। टमाटो, लहसुन, अदरक सब चीज़ों को जो है ना मैंने इकट्ठा डाल के बॉईल करके तो ये पेस्ट बना लिया हुआ था। मैंने रात में ये काम कर लिया था, तो अभी सबको भूख भी लग गया, तो मैं फटाफट जो है ना अब ये खाना बना रही हूँ, ताकि जो है ना उसके बाद फिर मैं मटन बनाऊँगी। मेरे साथ भी ये मेरा जो है ये हमारी रूटीन को जो है वो एंड तक देखिए, ताकि आपको पता चल सके कि हम जो है ये अपनी ईद का दिन कैसे गुजारते हैं। मैं रेडी नहीं हुई अभी, सिर्फ बच्चे ही रेडी हुए हैं। ये साथ साथ जो है वो मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। ये एग्जैक्ट जो है ये लाहौरी छोलों की जो है ये रेसिपी है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बिल्कुल उसी तरह के ही बनते हैं, उसी टेस्ट के बने हैं। ठीक है, चले मैं आप जो है इसकी ये देखें, ये अभी चला गया जीरा, ये चला गया अब इसमें जायका सौंफ। ठीक है, अब इसकी जो है वो देर ना दिन बुनाई शुरू कर देनी है आपने, क्योंकि मसाला जो है वो अच्छे से भुना होना चाहिए। ठीक है, फिर हम इसमें दही डालेंगे और चने डालेंगे। चलें अभी मैं ये सब करती हूँ। जी तो फिर बस ये देखें, अभी जो है ये बर्तन रात जो है ये मैं काफ़ी थक चुकी थी रस मलाई वगैरह बना के, तो फिर अभी जो है ये जोर शोर से जो है ये जो है बर्तन भी साथ साथ सारे काम भी साथ साथ चल रहे हैं। अकेले होते हैं ना फिर बड़ा पतला हो जाता है, मेट की भी सहूलत नहीं है। तो नहीं, अभी इसको भूनने दो। तो चलो ये देखें, मैं फटाफट जो है ना ये मेरे हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट फिनिश। ठीक है, तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे जो है ये मसाला है वो भून चुका है। अब ये इसमें डाल देंगे चने। ये देखिए, एक्चुअली मेरा किचन छोटा है जिसकी वजह से बहुत मसाला होता है। मैं
सोडा ही यूज़ करती हूँ, बाज़ार वाले सोडा करके अगर आप करना चाहते हैं, मुझे बस अच्छा नहीं होता वो, इतना हेल्थ के लिए इतना नहीं करता। ठीक है, ये अब हम चने डाल के ना इसकी अच्छी से धुनाई करेंगे। अगर आपको जो है वो डिटेल रेसिपी चाहिए बाज़ार वाले छोलो और पूरी की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो फिर मैं आपको जो है वो अपनी रेसिपी देख सकूँ। ठीक है, ये देखिए आप चल रहे हैं, मैं अच्छी से धुनाई करती हूँ। अभी हम जो है वो शीर खुरमा बनाने लगे हैं फटाफट से, शीर खुरमे की जल्दी जल्दी वाली रेसिपी, भाई इस दफ़ा कुर्बानी होगी तो ऑब्वियसली सी बात है, और लेडीज़ का काम जो है ना वो ज़्यादा रहता है, तो ऐसी रेसिपीज होनी चाहिए फटाफट वाली, क्विक क्विक वाली, जो है ना वो 5-5 मिनट में बना लें। रात भी आपने देखा था कि मैंने रसमलाई की कितनी क्विक रेसिपी दी थी आपको, और अभी जो है ना शीर खुरमे की बहुत क्विक सी रेसिपी मुझे बनाना आता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कि मैं, लेकिन आज मैं आपको क्विक क्विक रेसिपीज दे रही हूँ ताकि आप जो है वो अपना कुर्बानी जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से इंजॉय कर सकें। आपको ये ना हो कि हमारे टाइम जो है ना ये मीठा बनाते रहें और ये वो ना, तो जल्दी जल्दी वाली रेसिपी। अभी जो है ये हम दूध को करते हैं बॉयल आने देते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर आप क्या करते हैं। व्यूवर्स, ये देखिए ये दूध हो गया बॉयल, और इसमें ये डाल दिया हमने एक शीर खुरमे का पैकेट, इसको 5 मिनट पकाएं और आपका शीर खुरमा रेडी। ये था मेरा मैजिक, ये देखिए इसमें सब कुछ होता है, आपको चीनी निकालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग कहेंगे भाई ये क्या, ये खा ले बेटा ये रसमलाई है। अच्छा बाबा को दे दो, बाबा को दे दे, बाबा को दे दे बेटा प्लीज़। अलाया को जो है वो रसमलाई के अंदर वाली बॉल्स नहीं खानी है, उसको सिर्फ दूध ही पीना है उसमें से। ये देखें आप उसे तो सारे, ये देखें सब उन्होंने डाला हुआ है तैयार, आप भी ये ले आए, बस 1 लीटर दूध में डालिए और आपका शीर खुरमा रेडी। कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है, थकने भी नहीं पड़ेगा आपको, ये काटो वो काटो फला काटो। तो चले मैं इसको कुक करती हूँ, फिर इसको हम सर्व कर लेंगे। जी बेटा ये देखें ये हमारा शीर खुरमा अच्छा सा, ये देखें रेडी हो गया। अब जो है ये मैं ऑयल नहीं डालती हूँ, ऑयल या घी मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो अभी मैं डालूँगी, अभी हम बनाएंगे पूरियाँ। जी तो व्यूअर्स ये देखिए अब हम बना रहे हैं पूरियाँ अपनी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी पूरियाँ हैं। अगर आपको ऐसी पूरियों की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। अभी तो मैं जल्दी में हूँ तो रेसिपियाँ नहीं बता सकती उससे। ऑयल जो है ना आपका बहुत ज़्यादा हॉट होना चाहिए, फिर ही पूरी अच्छी फूलेगी और अच्छी बनेगी। तो व्यूअर्स ये देखें ये हमारा नाश्ता, ये पूरी, ये चने, ये शीर खुरमा, ये सारे जो है ये नाश्ता कर रहे हैं। करें इरफान आप भी। नाश्ता करें। कैसी बनी है पूरी अलाया, पूरी कैसी थी? यम्मी। चले मैं भी नाश्ता करती हूँ, फिर हम मिलते हैं लंच पे। लंच? यस मम्मा बनाएंगी गोश्त। ये नाश्ता तो हमारा जो है ये फिनिश हो चुका है, तो अभी जो है घर पे हल्का हल्का झाड़ू लगाएंगे हम, क्योंकि घर में बच्चों ने कर दिया है मैस। ये देखिए बाहर का भी व्यू शेयर करते हैं, थोड़े हल्के हल्के बादल आ रहे हैं, दुआ करते हैं कि बारिश हो जाए क्योंकि काफ़ी गर्मी भी है। ये देखें फिर बस इस दफा जो है ना मुझे लगता है घर में ही झाड़ू लगा लगा के हमारी ईद ख़त्म हो जानी है, कहीं आना जाना नहीं हो रहा है। तो ये देखिए मैं जो है ये फटाफट से जो है वो लगाती हूँ झाड़ू, क्लीनिंग करती हूँ, तो फिर हम बनाते हैं दम पोहा। से देखें अभी हम लोग क्या करने लगे हैं, अभी
मैं डिनर बनाऊंगी, लंच तो खैर नहीं करेंगे। तो अभी ये मैंने डाल दिया है गोश्त। गोश्त जो है ये कुर्बानी का नहीं है, हम खरीद के लेके आए हैं। तो ये अभी जो है ये हम इसमें पे, मैं आपको सारा जो है ना देसी सेटअप दिखाऊंगी। मैंने एक बोर्ड कटर पे काट लिया और करके दिखा दिया, ठीक है। ये मैं प्याज कट कर रही हूँ, इसके अंदर मैं दो प्याज डालूंगी। तो मैं देसी स्टाइल का भुना हुआ जो है ना मसाले वाला मटन बना लूँगी आज, ठीक है, डिनर में। और साथ में बिरयानी, खाने वाले तो इतने नहीं है, बिरयानी भी कोई नहीं खाएगा, बस ऐसे ही ईद के शौक शौक में। ये देखिए चला गया लहसुन अदरक। आपको पता है मैं गोश्त तो ज़्यादा ये इलेक्ट्रिक वाले में ज़्यादा गलाती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी गल जाता है, ठीक है। तो पानी डाल के मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी जी। तो भी वैसे देखिए अभी मैं चावल भी धोने लगी हूँ। ये जो पतीला ना ये मैंने इसी पर्पज़ के लिए रखा हुआ है, कभी कुछ बॉयल करना हो, इसमें मैं कुकिंग नहीं करती हूँ, या कुछ भी धोना हो। तो ये दो कप चावल, ये बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ तो कोई खाने वाला भी नहीं है, कौन खाएगा। तो वैसे मैं अभी ईद के शौक में जो है ना बना रही हूँ कि ईद है तो चलो कुछ बना लेती हूँ, बाहर भी नहीं जा रहे हैं, बस पाकिस्तान को याद किए जा रहे हैं अभी अकेले अकेले। तो चलें अब हम इन, मैं इनको भी भिगो दूँगी, फिर मटन गलेगा और ये होगा तो फिर हम तैयारी शुरू करते हैं। ये देखें ये बर्तन फिर से, मुझे तो ऐसे लगता है मैं ना बर्तन धो धो के बस हो जाऊँगी। अब ये फिर इनको धोंगी, फिर से सिंक भर गया, फिर डिनर खाएंगे, फिर से बर्तन। तो बड़ी ईद पर औरतों को तो बस यही काम है सारा दिन, या तो बर्तन धोते रहो या पकाते रहो बस। चले मैं अब इनको वॉश करती हूँ, करना तो है ही है ना। ये हम लोगों की बिरयानी रेडी हो रही है। सॉरी मैं आपको रेसिपीज़ नहीं दे सकी क्योंकि मेरा कैमरा बिल्कुल मतलब मोबाइल बंद हो गया था, तो मुझे खाना भी जल्दी प्रिपेयर करना था। मटन भी रेडी हो चुका है, ये देखिए तभी इसको सर्व करेंगे। मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसको भी भिजवाऊंगी खाना, इंडियन फ्रेंड है वो। हुरिया वेयर आर यू गोइंग? हुरिया सेट मम्मा ये तो आज तो ईद है और हम स्टिल घर पर हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा इनको थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाएं पास में। व्हाट अलाया डिड? अलाया आपने क्या किया है? अलाया ने जो है ये अपनी सारी जो ड्रेस की जो थी धो दिया। इट्स ओके। ये देखिए इट्स ओके। अलाया वेयर आर यू गोइंग बेटा? राइन हाउस। जी तो व्यूवर्स ये देखें अभी हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकले हैं, अफसोस हम कहीं नहीं जा सकते, बस ये पास में इधर से चक्कर लगा के वापस आ गए। ये कौन डरा रहा है हमें? ये कौन है? ये कौन है स्केरी गर्ल? तो अभी हम रुके हुए हैं, ये मेरी फ्रेंड का कॉन्डो है, ये इधर उसको खाना देने के लिए आए हुए हैं हम लोग। तो अभी हम उसी का ही वेट कर रहे हैं, चले हम वेट करते हैं। खाना देते हैं हम लोग। जी तो व्यूवर्स ये देखें अब हम फिर से कैद खाने में जा रहे हैं स्लो स्लो। ये देखें आप देख सकते हैं कि ये रोड्स किस तरह से खाली हैं बिल्कुल भी, बस अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है वो इस कोरोना को ख़त्म कर दे और हम पहले की तरह जो है वो हम सब लोग ईद को सेलिब्रेट करें, हज करें हम सब लोग। जी तो व्यूअर्स ये देखें ये अब हम जो है ये खाना खाने लगे हैं। ये रही बिरयानी, ये रहा मटन, ये रहा सैलेड और इसमें है चपाती। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। ये थी हमारी आज की छोटी सी ईद की रूटीन कि हम ईद कैसे गुजारते हैं, क्या क्या करते हैं और क्या क्या बनाते हैं। तो चलें अभी हम लोग डिनर करेंगे, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और सबको ईद मुबारक।